काल की बात है। स्वारोचिसमन्वंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश पे उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा अपने और से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। उस समय कोला बिंदवासी नामक क्षत्रिय उनके एक शत्रु थे। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। कोला बिंदवासी संख्या में कम थे। राजा सूरती युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब ये युद्ध भूमि से अपने नगर की ओर लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर ही रहने लगे। किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल छीन हो चुका था। वो चला था, इसलिए उन्हें दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरथा का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले जंगल की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उन वन के शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों जिनका पालन किया था वही नगर आज मुझे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचार भृत्यगण उनके धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मदद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी उस शत्रु के अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोग रहा होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वह निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किए हुए ये मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूतिक निरंतर सोच रहे थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो और क्या कर रहे हो, इसका क्या कारण है यहाँ आने का, तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमन से दिखाई देते हो। राजा सूरथा का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनित भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन स्त्री पुत्र से वंचित हूँ। मेरा विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझसे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बातों को नहीं जानता कि मेरे पुत्र की स्त्री की और स्वजनों की कुशल या है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। मेरे पुत्र कैसा है, क्या ये सदाचारी है अथवा दुराचारी हो गए हैं। राजन ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण आपको घर से बाहर कर दिया है तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है। वैश्य ने फिर से बोला, आप मेरे विषय में जैसे बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजन के प्रति अनुराग को तिलांजलित दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह, महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है,
यह क्या है? इस बातों को मैं जानता भी नहीं, इस बातों को जानकर भी मैं नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांस ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वदा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों एक साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकुल विनर्म पूर्वक वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजन कुछ वार्तालाप आरंभ किए। राजन ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चिंत अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? और इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री और भाइयों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने इस कारण प्रतिज्ञा कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हृदय स्नेह रखता है। इस कारण यह तथा मैं दोनों आपके पास आए हैं। ये क्या है? इसके बारे में आप हमको बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस कारण हम दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। ऐसा क्यों? महाभाग हम दोनों समझदार हैं, तो अभी हमसे जो मोह पैदा हुआ है यह क्या विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझमें और इसमें भी मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऋषि बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों में है। सब जीवों में है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते, दूसरे रात में नहीं देख पाते। कुछ प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, जो दिन में नहीं देख पाते, जो रात को देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसे ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों को होता है, तथा जैसे मनुष्य की होती है वैसे ही उन मृग पक्षियों को भी अधिक होती है। यह तथा अन्य बातों भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोह वंश बच्चों की चोंच में कितने चांव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोक वंश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करता है। मनुष्य पुत्रों की क्या करता है? अभिलाषा करते हैं। उन सब में समझ की कमी नहीं है। संसारिक स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भावों से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वरी भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। ये जगत हमारी किससे मोहित हो रहा है? योग निंद्रा रूपा जो भगवती है महामाया, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर उनको मुक्ति का वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार, बंधन और मोक्ष की हेतुभूता
सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों के भी अधीश्वरी हैं। वहीं अधीश्वरी हैं। राजन ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? महान उनका आविर्भाव कैसे हुआ है? यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा कैसे हुआ है तथा उनके चरित्र कौन कौन है। ब्रह्मों वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसे स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुए हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य रूपा ही हैं। वास्तव में सच में वो देवी नित्य रूपा ही है, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्हें समस्त विश्वों को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, वे नित्य और अजन्मा है। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार वर्ण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग के शस्य बिछाकर योगी निंद्रा का आश्रय ले रहे थे सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर पैदा हुए थे, उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वो दो नामों से विख्यात है। तो कौन कौन? पहला मधु और दूसरा कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए अनेक नेत्रों में निवास करने वाली योगी इंद्रा स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व के अधीश्वरी जगत को धारण करने वाले, संसार पालन और संहार करने वाले तथा तीज स्वरूप भगवान विष्णु के अनुपम शक्ति है। उन्हें भगवती निंद्रा देवी की आराधना की आष्टाद कर दिए, स्तुति करने लगे। संहार रूपण धारण करने वाली हो तुम्ही, महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति, तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वरी भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन जब ब्रह्मा जी वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योगी इंद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर व्यक्तिंजना महाब्रह्मा जी की दृष्टि से समक्ष खड़ी हो गई। योग निंद्रा से मुक्ति होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार के जल में शेष नाग की संज्ञा से जाग उठे। उनकी संज्ञा से क्या हुए? जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा प्रकर्मी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग हो रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों को साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। 5000 साल तक
बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। बोला, हम तुम्हारे वीरता से पराक्रम से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में उन्हें जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई है ना, जहाँ सुख स्थान हो वही हमारा वध करो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपने पैर पर रख के चक्र से काट डाले, उनके सिर को चक्र से क्या कर दिए, काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो।